नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। आपने जिक्र किया उन लेडी का जो कि फर्स्ट लाइक फीमेल क्या नाम बताया था उनका, कैप्टनानी। इंडिया में अभी भी बहुत कम है फीमेल्स जो पायलट बन जाती हैं, ऐसा क्यों है? वेल, कैन यू गेस कि कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा फीमेल पायलट्स हैं? इंडिया। अच्छा, इंडिया ही है। बट एज कंपेयर टू मेल्स कह रहा हूँ मैं। यस, एज कंपेयर टू मेल्स परसेंटेज वाइज आल्सो इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फीमेल पायलट्स आल्सो एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल पायलट्स आल्सो। एवरी लास्ट ईयर तो एवरी 5 लाइसेंसेज दैट वर इशूड, आउट ऑफ दैट 1 लाइसेंस वाज अ फीमेल फॉर फीमेल, सो दैट परसेंटेज हैज इंक्रीज्ड टू क्लोज टू 20% नाउ। इट वाज 13-14% अर्लियर, नाउ इट हैज इंक्रीज्ड टू 20%. So was there a reservation initially from the female side, from society side, that females pilot नहीं बनेंगी, इसीलिए इतना गैप रहा है कि 1 out of 5 अभी भी चल रहा है रेशो? ऐसा तो नहीं है वैसे कोई। आई डोंट नो कि वाई फीमेल्स वर नॉट टेकिंग इट, बट क्योंकि आई थिंक स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा यू कैन से दिस फील्ड वाज मेल डोमिनेटेड इनिशियली and then but now I feel that I fly with female co-pilots. In fact my younger sister, she is also a pilot. Oh wow. Yeah. So I feel ki female ke liye to this job is very good because in terms of you're your own boss wahan pe, you don't have to be like ki mere ko ye targets meet karne hai, manager ko meet kar. ye basically I have seen ki normal companies mein female aur usme wo hamesha news mein ya har jagah dekhte rehte hain. yahan pe we don't, I think in 1 year roughly 1 or 2 days I go to my office, jo company ka office hai. we don't have to go to our office, we get ready, we go to the airport, we fly that plane. it's just 2 of us and every day we'll be flying with different pilots. it's not like today I'm flying with you, I might not even meet you for like next 6 months. next 6 months baad again we'll be flying. oh hi, how's life, everything, and then 2-3 hours we'll be talking to each other, kya chal raha hai, sab kuch badhiya hai. next day it's a different person sitting on. normal companies mein aap jaate ho, same person is sitting on your right side, same person is on left side. तो वो सब फीमेल्स के लिए आई थिंक, और सेफ्टी वाइज भी इट्स वेरी गुड. आपको नाइट फ्लाइट्स भी होती हैं तो यू गेट अ सिक्योरिटी गार्ड फ्रॉम द कंपनी, तो घर से पिकअप के लिए गाड़ी जाती है, आती है. होटल्स आपको 5 स्टार अकोमोडेशन होता है कहीं पे भी जाते हो, तो सेफ्टी वाइज भी फीमेल्स के लिए इट्स वेरी गुड. सो नाउ डेज लॉट ऑफ फीमेल्स आर टेकिंग इट अप. थोड़ा सा आई थिंक जब स्कूल से निकलते हैं फीमेल्स तो पहले से ही वो बना हुआ था स्टार्टिंग में कि भी मेल्स पायलट है, मेल पायलट. आप जो देखते रहते हो वही आपको वो लगता है. आप जैसे फीमेल पायलट्स को देखते हैं लोग, तब वो फीमेल्स को आता है अरे हाँ मैं भी तो कर सकती हूँ, मैं भी तो. पहले हमेशा पिक्चर्स में हर जगह मेल पायलट्स ही दिखते थे. एंड आई डोंट नो इफ इट इज़ रिलेटेड, उसको वी कॉल दैट अ कॉकपिट आल्सो. आई डोंट नो, नेवर रियलाइज्ड इट. नहीं, एंड इवन इफ यू इमेजिन अ कैप्टन वर्ड तो शायद मेल फिगर ही आती है. मे बी इट हैज टू डू विद समथिंग जो पहले से चलता है कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती तो प्लेन कैसे चलाएंगी. हेल्प मी अंडरस्टैंड, आपने जो ये ट्रेनिंग अपनी करी होगी, व्हाट इज द कॉस्ट दैट इज इन्वॉल्वड of training? See, at that time the cost was different. nowadays to do the pilot training is costing you anywhere between 40 to 50 lakhs. Okay. For the entire training? For the entire training I would say it would cost up to, because there is an extra cost of about 10 to 15 lakhs depending on which airline you get selected in. once you are selected as an airline pilot you have to do some extra training. basically when you are doing your initial training, your in layman term mein agar aapko samjhaun to jaise आप गाड़ी चला रहे हो, तब आपको बस या ट्रक चलाना है तो आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए होगी और आपको लाइसेंस पे एंडोर्समेंट चाहिए होगी. सो जब आप ट्रेनिंग करके आते हो, लाइसेंस लेके आते हो, तो आप छोटे एयरक्राफ्ट्स पे ट्रेनिंग करते हो. 2-seater 4-seater एयरक्राफ्ट होते हैं. जब आप एयरलाइन में आते हो तो आपको इतना बड़ा जहाज़ चलाना है, उसकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ती है. तो इफ़ यू वॉन्ट अ जॉब विद द एयरलाइन देन योर कॉस्ट इंक्रीजेज अप टू 60 lakhs के आसपास आ जाता है. सो यू स्पेंड 40 lakhs फॉर योर ट्रेनिंग इनिशियली, एंड वो ट्रेनिंग इंडिया में होती है या फिर बाहर ही होती है? इंडिया में भी होती है, बाहर भी होती है. कौन सी बेटर है? कौन सी सबसे बेस्ट ट्रेनिंग वर्ल्ड की कहाँ पे है? एक्चुअली दिस ट्रेनिंग इज़ 1-on-1 ट्रेनिंग. ये कई जगह पर सुना है कि भाई बोलते हैं लोग कि यूएस की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, कनाडा की ट्रेनिंग अच्छी है, इंडिया की इतनी अच्छी नहीं है. इट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट बेसिकली व्हेन यू गो फॉर योर ट्रेनिंग आई विल बी असाइंड एन इंस्ट्रक्टर. तो इट इज़ अ 1-on-1 ट्रेनिंग. इट्स नॉट लाइक कि 40 लोगों को बिठा के ट्रेनिंग मिल रही है एक साथ. that instructor will be assigned to me, one aircraft will be given to me. now it is up to that instructor how he teaches me. so my whole training will be with that instructor. so if an instructor is good in India and that's it's the same aircraft, same instructor, same person, so that training could be done in India also. it is just ki पहले टाइम पे इंडियन एविएशन हैज स्टार्टेड बूमिंग आफ्टर 2000 ओनली. ये इसी एरा में आके इंडियन एविएशन हैज स्टार्टेड बूमिंग एंड एवरीबडी वांट्स टू बिकम एन एयरलाइन पायलट डायरेक्टली. In other countries, it does not happen that you get your CPL license and you don't join as an airline pilot directly. You become a flight instructor first. You gain some hours and then you join the airlines. Because aviation वहाँ पे पहले से boomed है, तो वो process बना हुआ है. But India needed a lot of airline pilots right away after 2005 when SpiceJet, Indigo, all these airlines opened up. So that's why they started hiring freshers only. तो quality instructors नहीं थे उस time पे. But that gap, this COVID का gap and 2008 का recession का gap, that created a lot of pilots or instructors in India. कि अब India में भी आपकी जो ये quality of training है, it's very good. It's not that like US में अच्छी होगी.